हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि सिंपल मेहंदी जो हम हाथों पर लगाते हैं उसे हम बालों पर लगाकर ऑरेंज कलर की जगह ब्लैक कलर कैसे ला सकते हैं, वो भी विदाउट एनी केमिकल यूज किए और बिल्कुल नेचुरल तरीके से। इसी के साथ मोनिकास डीआईवाई में आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मेहंदी घोलने के लिए मैंने एक लोहे का बर्तन लिया है, ऐसे बर्तन मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। मैंने मेहंदी घोलने वाला बर्तन अलग ही रखा है और इसी में हर बार मेहंदी घोलती हूँ तो इस वजह से ये काला है। 1.5 चम्मच मैंने आंवला पाउडर लिया है। आंवला पाउडर मैंने घर पर आंवलों को सुखाकर पाउडर बनाया है। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो आप मार्केट से भी आंवला पाउडर ला सकते हैं। 1.5 चम्मच मैंने आंवला पाउडर लिया है और 1 कप पानी लिया है। इसको हम अच्छे से घोल लेंगे ताकि कोई गुठलियां ना रहें। अक्सर जब भी हम बालों में मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी का कलर ऑरेंज आता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से हम बालों में कलर लगाना शुरू कर देते हैं और सब जानते हैं कि कलर हमारी आंखों पर, स्किन पर और बालों पर कितना बुरा असर डालते हैं। अब हम इसको गैस पर रखेंगे और बॉईल होने देंगे। मेहंदी का कलर ऑरेंज आने की वजह से कलर लगाना हमारी मजबूरी बन जाती है। अगर आप अपने आसपास लोगों को देखेंगे तो आजकल बहुत सारे लोग बालों के झड़ने से और बालों के हल्के होने से बहुत परेशान हैं और इन सब की वजह केमिकल वाले कलर्स ही हैं। आप चाहे अमोनिया फ्री कलर भी ले आए पर उनमें भी केमिकल होते हैं, क्योंकि कोई केमिकल ही बालों को इतनी जल्दी काला कर सकता है। एक बॉईल आने के बाद मैंने गैस को स्लो कर दिया है और इसको 5 से 7 मिनट हम बॉईल करेंगे। पांच सात मिनट बॉईल होने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और किसी छलनी से इसको छान लेंगे। तो इस तरह से ये आंवले का पानी बन गया है। इस तरह से मैंने आंवलों को छान लिया है। अब उस बर्तन में भी थोड़ा सा पानी डालकर उस बर्तन को धो लेंगे और इस पानी को भी एक बार छलनी में से निकाल लेंगे। इस तरह से हमारे पास आंवलों का पानी तैयार हो गया है। अब हम इस पानी को फिर से उस बर्तन में डालकर 2 से 3 मिनट के लिए बॉइल करेंगे। ये एक नेचुरल तरीका है बालों में कालापन लाने के लिए। एक बॉईल आने पर मैं गैस को स्लो कर दूंगी और 2-3 मिनट के बाद गैस बंद कर देंगे। उस बॉईल किए हुए पानी को मैंने 3 से 4 घंटे के लिए इसी बर्तन में ऐसे ही रहने दिया और इसमें कालापन दिखाई दे रहा है। अब इसमें कोई भी अच्छे ब्रांड की मेहंदी डालेंगे। आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से मेहंदी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मेहंदी के डाले हैं और इसको अच्छे से मिलाकर पेस्ट बनाएंगे। मेहंदी को घोलकर मैंने पेस्ट बना लिया है। अब इस पेस्ट को इसी बर्तन में 5 से 6 घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। मेहंदी को ढककर रखे हुए 6 घंटे हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना ब्लैक है। ये लोहे के बर्तन और आंवले की वजह से इसमें कालापन आएगा। अब हम मेहंदी को बालों पर अप्लाई करेंगे। ये एक नेचुरल तरीका है बालों में कालापन लाने के लिए। इस तरीके से मेहंदी लगाने से मेहंदी का कलर ऑरेंज आने की बजाय ब्लैकिश आएगा। इस तरह से सारे बालों में मेहंदी लगा लेंगे। बालों पर नेचुरल चीजें यूज करने से ना तो हमारे बाल खराब होंगे और ना ही हमारी आंखों पर इसका असर पड़ेगा।
पहली बार में इसे लगाने से आपके बाल काले एकदम से नहीं होंगे, क्योंकि कोई केमिकल ही बालों को जल्दी काला कर सकता है। नेचुरल तरीके से धीरे धीरे काले होने स्टार्ट होते हैं। पूरे बालों में मेहंदी लगाने के बाद आप इसके ऊपर शावर कैप लगा सकते हैं और फिर इस मेहंदी को 2 से 3 घंटे के लिए बालों में लगा रहने दें और फिर उसके बाद आप अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप इसे थोड़ा सा जल्दी जल्दी लगाएं, जिस तरह से आप मेहंदी लगाते हैं। 3 घंटे मेहंदी लगाने के बाद मैंने अपने बालों को शैम्पू कर लिया है। आप चाहें तो एक दिन छोड़कर भी शैम्पू कर सकते हैं। बहुत से लोग मेहंदी लगाने के अगले दिन शैम्पू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बालों में मेहंदी का कलर ऑरेंज की बजाय काला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल मोनिकास DIY को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।